जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं आपको रक्षाबंधन के बारे में जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं रक्षाबंधन की शुभ मुहूर्त क्या है, राखी कब बांधना है, रक्षाबंधन की पूजा विधि और भद्रा काल कब तक समाप्त होगा, इसके बारे में बताऊंगा। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास में उस दिन मनाया जाता है जिस दिन पूर्णिमा अपराह्न काल में पड़ रही हो। यदि पूर्णिमा के दौरान अपराह्न काल में भद्रा हो तो रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। ऐसे में यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती तीन मुहूर्तों में हो तो पर्व के सारे विधि विधान अगले दिन के अपराह्न काल में करने चाहिए। लेकिन यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती तीन मुहूर्तों में न हो तो रक्षाबंधन को पहले ही दिन भद्रा के बाद प्रदोष काल के उत्तरार्ध में मना सकते हैं। आइए जानते हैं पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:58 से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी और 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:05 तक पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। श्रावण पूर्णिमा वैसे तो उदया तिथि के अनुसार 31 अगस्त को है, पर जैसा कि मैंने कहा था कि रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास में उस दिन मनाया जाता है जिस दिन पूर्णिमा अपराह्न काल में पड़ रही हो, और ऐसा 30 अगस्त को हो रहा है, इसलिए रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त को मनाना उत्तम रहेगा। पर 30 अगस्त को राखी कब बांधना है इसके लिए देखना होगा कि भद्रा काल कब तक समाप्त हो रहा है, क्योंकि भद्रा समाप्त होने से पहले रक्षा सूत्र बांधना अशुभ माना जाता है। 30 अगस्त को भद्रा काल रात 9:01 तक समाप्त होगा, इसलिए राखी आप भद्रा काल के बाद यानी रात 9:01 के बाद बांध सकते हैं। राखी बांधने का कार्य 31 अगस्त को सूर्योदय से पहले यानी सुबह 6 बजे से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि 31 अगस्त को पूर्णिमा सुबह 7:05 तक रहेगा जो कि शुरुआती तीन मुहूर्त से भी कम समय है, इसलिए 31 अगस्त को राखी बांधना शुभ नहीं होगा। रक्षाबंधन हमेशा शुभ समय में ही मनाना चाहिए। अशुभ समय में रक्षाबंधन मनाने से जीवन में अशुभ प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन की पूजा विधि के बारे में। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले स्नान करके पवित्र होना चाहिए और देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। कुल देवी और देवताओं का आशीर्वाद जरूर लें। इसके बाद चांदी, पीतल या तांबे की थाली में राखी, अक्षत, रोली या सिंदूर एक छोटी कटोरी में रखें और जल या इत्र से गीला कर लें। राखी की थाल को पूजा स्थल में रखें और सबसे पहले राखी बाल गोपाल या अपने इष्ट देवता को अर्पित करें, भगवान से प्रार्थना करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, इससे आपकी राखी को देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। राखी बांधते समय भाइयों को सिर पर रुमाल या कोई स्वच्छ वस्त्र रखना चाहिए। बहन सबसे पहले भाई के माथे पर रोली या सिंदूर का टीका लगाए, टीका के ऊपर अक्षत लगाए और आशीर्वाद के रूप में भाई के ऊपर कुछ अक्षत छिटे। भाई की नजर उतारने के लिए दीप से आरती दिखाए। कहीं कहीं बहने अपनी आंखों का काजल भी भाई को लगाती है। भाई की दाई कलाई में राखी का पवित्र धागा मंत्र बोलते हुए बांधे, इससे राखी के धागों में शक्ति का संचार होता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम एन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबल तेन त्वामापि बद्ध नामी रक्षे माचल माचल। इसके बाद भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराएं। अगर भाई बड़ा हो तो बहने भाई के चरण स्पर्श करें, बहने बड़ी हो तो भाइयों को बहनों के चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद भाई वस्त्र आभूषण या धन देकर बहन के सुखी जीवन की कामना करें। उम्मीद है आपको रक्षाबंधन से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि किसी को किसी प्रकार का रक्षाबंधन के शुभ तिथि के बारे में असमंजस न रहे। धन्यवाद।